आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेबसाइट होस्टिंग के बारे में. सो इफ यू ऑल्सो वॉन्ट यूर वेबसाइट लाइक होस्ट योर वेबसाइट एंड पुट इन टू एनी सर्वर एंड वॉन्ट टू रन विद द हेल्प ऑफ एनी डोमेन लाइक xyz.com. सो आप एक सही जगह पे आए हो एंड वॉच द कम्प्लीट वीडियो टिल एंड एंड यू विल हैव कम्प्लीट नॉलेज अबाउट द वेबसाइट होस्टिंग. सो वी विल टॉक अबाउट द वॉट इज बेसिक रिक्वायर्ड थिंग लाइक फॉर होस्टिंग वेबसाइट एंड हाउ यू विल गो टू होस्ट वेबसाइट एंड वॉट आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड वाइल होस्टिंग वेबसाइट. ओके सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो क्या बेसिक रिक्वायर्ड थिंग होती है. अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक एंगुलर की वेबसाइट है, ठीक है, हमारे पास एक एंगुलर या फिर PHP, आप किसी चीज़ की सिंपल HTML की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या है कि एंगुलर की एक वेबसाइट है जो कि अभी हमारे लोकल सिस्टम पे है. ठीक है, एंगुलर की वेबसाइट का मतलब ये हो गया कि हमारे पास क्या है, सोर्स कोड है. ओके सो हमारे पास क्या है यहाँ पे, अभी सोर्स कोड है. अब क्या करना है, इस सोर्स कोड को जनरली वेबसाइट होस्ट करने का मतलब ये है कि आप अगर सर्च करते हो कि लाइक अगर हम बात करें W3School एक वेबसाइट है, W3School.com. सो इसका मतलब ये है कि आपका जो कंटेंट है उसको आप क्या करो कि किसी डोमेन का नाम लिखो xyz.com और आप क्या करो अपने होम पेज को या फिर किसी चीज़ को एक्सेस कर सकते हो. लाइक अगर हम बात करें कि आपके पास क्या है कि एक रेस्टोरेंट की एक वेबसाइट, आपके पास रेस्टोरेंट है और आप उसका एक वेबसाइट बना रहे हो कि लाइक लोग ऑनलाइन रीच कर सकें, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकें. सो उसी का हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे यहाँ पे. सो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, सोर्स कोड हो गया. दूसरा चीज़ जो हमें चाहिए होस्ट करने के लिए वो क्या चाहिए, वो होता है डोमेन. ठीक है, डोमेन, डोमेन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एक तरह से एड्रेस हो गया. किसका एड्रेस हो गया, वेबसाइट का एड्रेस हो गया, जैसे कि xyz.com, xyz.com. मतलब अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारी वेबसाइट जो है वो हमारा क्रोम पे या किसी ब्राउजर पे पूरा क्या होगा, वहाँ पे दिखेगा, आई मीन रिप्रेजेंट होगा वहाँ पे. तीसरा, अगर हम वेबसाइट अगर हम होस्ट करते हैं तो किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, सिक्योरिटी के बारे में. इसका मतलब ये है कि हम जो वेबसाइट एक्सेस करेंगे वो HTTPS के साथ एक्सेस होगा. ठीक है, xyz.com. ओके सो सिक्योरिटी की बात करते हैं, जिसको अगर हम बात करें दूसरे चीज़ों में तो टेक्निकली हम बोलते हैं इसे SSL की बात कर रहे हैं यहाँ पे. फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो किसकी बात करते हैं, ईमेल सर्विसेज. लाइक अगर आप कोई वेबसाइट, कोई आपके उस पर ऑर्डर करना चाह रहा है तो आप क्या करोगे, चलो फ़ोन नंबर होते ही हैं, जनरली हम क्या करते हैं कि ईमेल के थ्रू ईमेल सर्विस हम जनरेट कराते हैं, ईमेल सर्विस हम एक्टिवेट कराते हैं अपने वेबसाइट के लिए और हम वहाँ से क्या करते हैं, ईमेल के थ्रू ऑर्डर या फिर जो भी चीज़ें इंक्वायरी है जो भी है वो गेट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है कि जो हमारा ये सारी चीज़ें रहेंगी, अगर हम जितनी बात कर लिया वो कहाँ पे रहेगा, एक पर्टिकुलर स्पेस पे रहेगा. स्पेस का मतलब अगर हम बात करें जो हमारा सोर्स कोड है. ठीक है, अब सोर्स कोड को क्या है, अभी हमारा ऑफलाइन है, हमारे सिस्टम में है, अब इसे हमें क्या करना है, ऑनलाइन करना है. ऑनलाइन करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा सोर्स कोड है उसे हमें किसी पर्टिकुलर क्या करना पड़ेगा, हम सर्वर पे इसे रखेंगे. ठीक है, सो होता क्या है कि जनरली हमारे पास सर्वर होता नहीं है, हमारे पास अपना लोकल सर्वर होता है, लोकल सिस्टम होता है. हमें इसे क्या करना है कि हमें किसी एक ऑनलाइन सर्वर पे हमें इसे रखना है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें होस्ट करना है तो हम चलते हैं किस कहाँ पे, गोडैडी है जो कि एक होस्टिंग प्रोवाइड करता है, गोडैडी प्लेटफॉर्म है. ठीक है, ये क्या करता है, होस्टिंग प्रोवाइड करता है. अब हम क्या करेंगे, गोडैडी पे गए, ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो क्या होगा, डोमेन परचेज करना. ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, डोमेन परचेज करोगे. ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, डोमेन परचेज किया. डोमेन परचेज करने के बाद नेक्स्ट हमारा जो काम होगा वो क्या होगा, आपने गोडैडी पे जाके सब्सक्रिप्शन ले लिया. ठीक है, सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको वहाँ पे क्या होगा कि आपको डोमेन, आपको मैपिंग करनी पड़ेगी. ठीक है, डोमेन क्या करना पड़ेगा, आपको मैप करना पड़ेगा किसके साथ, जो ये सर्वर प्रोवाइड करेगा. ठीक है, ये क्या करेगा, आपको एक सर्वर प्रोवाइड करेगा, उसको आप क्या करोगे, डोमेन को अपने सर्वर के साथ मैप करोगे. ठीक है, इस केस में क्या होगा कि सर्वर को आपने मैप कर दिया, अब यहाँ पे क्या होगा, डोमेन को आपने सर्वर के साथ मैप कर दिया, अब आपको यहाँ पे क्या मिल गया, एक स्पेस मिल गया सर्वर पे, जहाँ पे आपको क्या करना है, अपना सोर्स कोड वहाँ पे एंटर करना, आई मीन रखना है सोर्स कोड. ठीक है, उठा के आपको अपलोड करना है स्पेस पे. अब ये होता है कि जो हमारे पास स्पेस है ये, अब इस स्पेस पे जो हमारा ये सोर्स कोड है, यहाँ पे हमारा सोर्स कोड है, इसको हम कैसे रखेंगे.
तो हमारे पास मल्टीपल वेज होते हैं, मल्टीपल वेज क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सो जैसे कि अगर हम बात करें, एक बेसिक चीज़ होता है वो हमें प्रोवाइड करते हैं क्या, कि फाइलजिला के थ्रू हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें क्या मिलता है, FTP, सॉरी फाइलजिला, ठीक है। हमें क्या मिलता है, FTP रिकॉर्ड, और उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, फाइलजिला से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और FTP के थ्रू हम क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। दूसरा हो गया कि वो हमें देते हैं डायरेक्ट, किसका एक्सेस देते हैं, सी पैनल का एक्सेस देते हैं, ठीक है, सी पैनल का एक्सेस देते हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने सोर्स कोड को हम अपलोड कर सकते हैं। तीसरा होता है कि एक होता है SSH का, SSH होता है, SSH क्या होता है, SSH के थ्रू हम क्या करते हैं, सर्वर का एक्सेस होता है, ठीक है, एक्सेस ऑफ सर्वर होता है, तो SSH के थ्रू भी हम इसे अपलोड कर सकते हैं। सो पहला काम क्या हुआ कि हमने GoDaddy पे गए, हमने डोमेन परचेज किया, हमें सर्वर मिल गया, हमने मैपिंग कर दी और हमें स्पेस मिल गया, और इस स्पेस में हमने अपना सोर्स कोड रख दिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें HTTPS पे रन करनी है अपनी वेबसाइट। HTTP पे रन नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अगर आप HTTP पे रन करोगे तो HTTP के केस में क्या होता है कि आपका जो वेबसाइट है वो क्या होगा, अनसिक्योर शो होगा वहाँ पे, ब्राउजर पे ये क्या दिखाएगा कि आपकी जो वेबसाइट है अनसिक्योर है, ठीक है। सो हमें इससे बचने के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, HTTPS पे ट्रांसफ़र होना पड़ेगा, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, SSL इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि GoDaddy का जो SSL वाला फीचर है या फंक्शनैलिटी है वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो जनरली होता क्या, अगर आप पहली बार होस्टिंग करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको बाय डिफॉल्ट 1 ईयर के लिए SSL यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया कि आपको आपके वेबसाइट पे जो आपका SSL है वो भी लग गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट है ईमेल सर्विस के बारे में। अब हमें क्या करना है कि अगर हमारा वेबसाइट है, अगर हम बात करते हैं रेस्टोरेंट के लिए, तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि लाइक वेस्ट फूड डॉट कॉम, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट हो गया वेस्ट फूड डॉट कॉम। तो हमारा जो जीमेल होगा वो क्या होगा, जनरली होगा इन्फो एट द रेट वेस्ट फूड डॉट कॉम, ये हमारा ईमेल होगा। सो जनरली आप यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे जब ईमेल की बात करते हो, ईमेल सर्विस की बात करते हो, जो ऑर्डर है, जो क्वेरी है वो ऑनलाइन आपको मिले, तो आपको जो ईमेल है कुछ इस तरह का ही चाहिए, और ये ईमेल कौन देगा, जहाँ पे आपने जिस सर्वर पे वेबसाइट होस्ट की है वो आपको ये मेल प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इसके रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगा। और इसको आप क्या करोगे, जो आपकी वेबसाइट है उसमें आप इसे जो फॉर्म है उसके साथ आप यहाँ पे कोड में लॉजिकली इंप्लीमेंट करोगे, जिससे कि जब भी वो सबमिट पे क्लिक करेगा, जो आपका यूज़र है वो सबमिट पे क्लिक करेगा, तो आपको इस ईमेल पे ईमेल थ्रू आई मीन सेंड होगा, ठीक है। सो ये वाला ईमेल जो ये ऑफिशियल ईमेल जो कि वेबसाइट का ईमेल होता है, ये आपको यहाँ से मिलेगा, जो कि आप इसे इसका जो ईमेल सर्विस होता है ईमेल सर्विस से गेट कर सकते हो, ठीक है, ईमेल सर्विस से आप इसे गेट कर सकते हो। सो इतनी बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि आपको वेबसाइट होस्ट करते टाइम ध्यान रखना चाहिए, और ये एक फ्लो होता है कि आप वेबसाइट अगर होस्ट कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं और कैसे हम करते हैं। सो गाइज, होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।